हेलो गार्ड, नमस्ते। इसके बाद क्या शो? तो मेरा नाम है द पुलिस एक्ट 1861। मेरे नाम जाने क्या करूँगी? तो मैंने आपको कल भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम के बारे में बताया था 2020, बट मैं अब आपको ये फर्स्ट लेक्चर द पुलिस एक्ट 1861 लेकर आ रहा हूँ, ताकि आप जान सके आप इसे उसके साथ कैसे पढ़ेंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए और आपके कीमती वक्त जो आपका अपनी मॉर्निंग है, आपको किसी को गुड मॉर्निंग करना होगा। अरे गुड मॉर्निंग नॉट फॉर दैट, ये आपको डीए तो करना पड़ेगा, आपके घर वाले भी हैं। डोंट बी स्टेड ऑन द अर्थ। तो मैं ये लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। तो इसमें जो टोटल सेक्शन 47 है, ये एक्ट नंबर है 5 ऑफ 1861, ये सेंट्रल एक्ट है। और इसमें जो इंसर्ट सेक्शन हुए थे, मतलब जिसमें अमेंडमेंट हुई थी, वो मैं आपको तो बता देता हूँ। आप एक साइड में लिख लेना, ताकि आपको इतना ज़्यादा टाइम ना लगे। तो इसमें हुआ था पहले 2 में हुआ था, फिर आफ्टर दैट इसका सेक्शन 3 है, सुपरिटेंडेंट स्टेट वर्ल्ड इसमें हुआ था। फिर आफ्टर दैट 15 में हुआ था, फिर 3 में हुआ था, फिर 32 में हुआ था, फिर 34 में हुआ था। तो इसका जो जिसकी थॉट है द पुलिस एक्ट, स्पेशली जो पुलिस ऑफिसर हैं जो इसमें जीरो नहीं है उसके लिए है। इसमें स्पेशली जो 1861 है, 1861 में पहले जो ब्रिटिश था, तो उन्होंने सबको कंट्रोल करने के लिए, मतलब हमारे लोगों को, हमारे जो पूर्वज हैं, तो उन्होंने ये एक्ट बनाया था। तो मैं आपको बता दूँ इसमें क्या है क्या नहीं, बट आपको पढ़ोगे ना पुलिस, इंस्ट्रूमेंट है ना, इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 3, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या दिया इंस्ट्रूमेंट इसमें दिया है, इसका वर्क क्या है, पुलिस का प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ द क्राइम। और इसमें जो ये होता है ना, ये पक्का पढ़ के जाएगा। और यार अगर मान लो तुम सभी जानते हो कि जो ये टाइम जो रन सब पढ़ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा पढ़ रहे हैं, जिसके कारण बहुत आने जा रही है। कोलकाता में अभी ये एग्जाम आया, तो मेरे कोलकाता के ब्रदर और ब्रदर्स की सिस्टर, हाँ ब्रदर की सिस्टर, यार ये ध्यान रखना, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर इसमें कोर्ट मार्क इसके इतना खास नहीं है, एंड जो लॉ इतना खास नहीं है। फिर इसमें क्या गया, एरिया ट्रांसफर टू द पुलिस का मद्रास प्रेसिडेंसी, पुलिस का लॉ रेगुलेशन जिसकी खास वजह इतना खास नहीं है, स्टैंडर्ड टू ब्रॉड वर्ड 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 भी इतना नहीं है, सेक्शन अमेंडमेंट टू एप्लीकेशन बस ये इतना ही था। पर इसका जो सेक्शन वन कह रहा था इंटरप्रिटेशन ऑफ ब्रॉड, मतलब इंटरप्रिटेट कर रहा है द फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन इन द एक्ट हैविंग मीनिंग असाइन टू देम अनलेस देयर टू बी समथिंग इन द सब्जेक्ट एंड कॉन्टेक्स्ट रिप्रेजेंट टू सच कंस्ट्रक्शन। द वर्ड मैजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कैन मीन द चीफ ऑफिसर charged with the executive administration of a district exercising the power to magistrate, मतलब जब आप मैजिस्ट्रेट बनेंगे तो क्या पावर होगी, by whatever designated chief officer charged with such executive administration is called the word magistrate। जब हम बनोगे ना उसका नाम बहुत include all the persons within the general police district exercising all the powers of magistrate, the word police shall be used all person who shall be enrolled and enrolled। yaar na ye question ka aayega,
इसमें जनरल फूड स्पीशीज में क्या आता है, वेल्थ एंड प्रेजेंट प्लेस और एनी पार्ट ऑफ द एनिमल इन स्टेट प्लेस इन द एक्सेप्टेड ऑर्डर टू प्लेस दैट। और इसमें मैं आपको बताता हूँ जो इसमें से जनरल फूड स्पीशीज होता है उसमें इनबैलेंस क्या होता है, तो प्रेजेंट जो होता है स्टेट प्लेस होता है पार्ट ऑफ द स्टेट और प्लेस प्रेजेंट इन द पूरी सेक्टर सिस्टम कैन बी ऑर्डर टू प्लेस दैट। तो मतलब तो कर सकती है बट बाकी में कैसे करेगी यार, जैसे कि मतलब जो हमारा लिमिटेशन है वो शैल बी कंसीडर्ड एज रेफरेंस टू मेंबर ऑफ द फोर्सेस बिलो द रैंक ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ ग्रेड बिलो द रैंक ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ ग्रेड, ये भी मार्क कर लेना। ये वो ये क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फोर्सेस, मतलब कौन फोर्सेस को कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है, एंटायर पॉलिटिक्स एवरीथिंग दिस स्टेट वाज देन क्या पर्पस ऑफ दिस दैट वन पुलिस फोर्स एंड शैल बी रोल फॉर्मली एंड शैल कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ ऑफिसर्स, मतलब इसमें डिफाइन जगह भी होंगे मैन जो जगह शैल बी कंस्ट्यूट इन सच मैनर एज अ फॉर्म टाइम टू टाइम ऑर्डर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इसमें स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा कंट्रोल रखा है, जैसे हम देख रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट और हमारी जो कैपिटल है उसमें भी हमने देखा था कुछ ऐसा सिनेरियो, या मतलब जो उसकी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो कह रही थी कि हमें इसका रेगुलेट करना है बट सुप्रीम कोर्ट ने ज़्यादा कर दिया तो उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया था, ये बहुत बनती रहेगा इसमें अगर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस पे एंड ऑल अदर प्रोविजन सबॉर्डिनेट रैंक फॉर द पुलिस फोर्स एंड सच एज मे बी डिटरमाइंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इसमें अगर वो हमारा माइंड सेट जानता होता है कि हाँ ये बच्चे को ये है तो वो हमारे माइंड सेट से नहीं चलते, इसलिए वर्ड टू वर्ड याद करके जाना, आपको लॉ वर्ड टू वर्ड याद होगा तो तभी आप सच बन पाओगे, समझे बच्चों। इसमें क्या आता है सेक्शन 6 सुप्रीम टू स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट कैसे सुप्रीटेंड करेगी इसको ना आप उल्टा करके पढ़ सकते हो लाइक ऑफ एग्जांपल, जैसे स्टेट गवर्नमेंट बड़े पढ़ दिया फिर आपने सुप्रीटेंड कर दिया, माफ करना यार ये मेरा पत्ता गिर रहा है तो मेरे पास इतने बैठ नहीं है तो मैं ऐसे से पढ़ाऊंगा हूँ सभी की माओ से मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ क्या होगा। सुप्रिटेंडेंट ऑफ द पुलिस थ्रू आउट द जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट शैल वेस्ट एंड शैल बी एक्सरसाइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट विद दिस डिस्ट्रिक्ट सबॉर्डिनेट एक्सेप्ट अथॉरिटी अंडर द पोजीशन ऑफ दिस एक्ट, नो पर्सन ऑफिसर और पोस्ट शैल बी एम्पावर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रेजेंट द रोल इन द कंट्री एंड इंस्पेक्टर इसमें सेक्शन टू द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस थ्रू आउट द जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट शैल बी वेस्टेड इन द ऑफिसर टू कैरी
फैक्टर्स है ना, आईसीजी, अगर आप उतना नहीं होगा ना तो नहीं होगा आईसीजी। आप फैक्टर फैक्टर और बनाना है किसी नहीं, आप किस आप पुलिस है ना, उसके पास बहुत पावर होती है, ऑन द ग्राउंड लेवल कुछ भी कर सकती है। तो तुम्हारे पास तो केस अभी अभी आपके पास केस आएगा, ये तो फॉर्म की कंप्लेंट में आएगा किसने कर दी, नहीं आपको कोई इंफॉर्मेशन जैसे पुलिस की मिलेगी, नहीं आपकी जो मोटर से प्रॉब्लम तो बहुत जान से लेना होता, फिर आपको जब पावर क्या होता है जर्नल पुलिस और इसका लास्ट क्या याद रखना, और बस आज का लेक्चर मैं खत्म करता हूँ, और अपना टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि याद रखना टाइम इज मनी, मतलब मनी इज टाइम, तुम जितना लेट हो रहे हो उतने ही तुम्हारी मंथ की सैलरी कम होगी। बाय, हैव अ गुड डे।